पांडुपोल हनुमान मंदिर हमेशा से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज धरोहर पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर के सफर पर। हनुमान जी की शयन प्रतिमा स्थापित है। भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यहाँ हर साल मेला लगता है। अलवर जयपुर मार्ग पर शहर से 55 किलोमीटर दूर स्थित है ये मंदिर। इस मंदिर पर लगने वाले मेले में पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के समय भीम ने गदा से पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाला था। भीम ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि पहाड़ में आर पार दरवाजा निकल गया। पहाड़ में बना ये दरवाजा ही पांडुपोल के नाम से विख्यात है, जो अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। साथ ही ये स्थल लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है। यहीं पर बने मंदिर में शयन अवस्था में हनुमान जी की प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि गदा के प्रहार से पहाड़ में छेद होने के बाद पांडव उसमें से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। आज भी पहाड़ में बने इस रास्ते से निकलते हैं तो करीब 30 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ के शेष भाग और उससे जाती वृक्षों की जड़ों को देखा जा सकता है। इस दरवाजे से 1 किलोमीटर पहले खजूर आदि के पेड़ों से घिरे स्थान पर हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें शयन मुद्रा में प्रतिमा है जो छेनी हथौड़ी से चट्टान को तलाश कर बनाई गई है। कहा जाता है कि भीम को अपने बल का गर्व था। इसे देखते हुए हनुमान जी बूढ़े वानर के रूप में लेट गए। रास्ते में उनकी पूछ आई तो भीम उसे रास्ते से नहीं हटा पाए। बाद में हनुमान जी ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया था। लोगों की आस्था है कि ये मंदिर और प्रतिमा उसी घटना से जुड़ी है। हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है। पांडुपोल हनुमान मंदिर का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।